पेगासस जासूसी कांड पर मोदी सरकार पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। संसद से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक लगातार झूठ बोलने वाली ये सरकार के झूठ से अब पर्दा उठ चुका है। सरकार का झूठ बेनकाब हो चुका है और चुनाव के ठीक पहले मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है और ये झटका दिया है मोदी सरकार को न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जो हर बार मोदी सरकार के किसी न किसी कारनामे को, उनके झूठ को उजागर करती रहती है। वही न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बार साबित किया है कि देश का चौकीदार ही चोर है जो दूसरों की प्राइवेसी चुराता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के बाद पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी का जिन्न उनके बोतल से बाहर आ गया है। सरकार पर पेगासस स्पाईवेयर के जरिए पत्रकार, विपक्ष के नेताओं के सहित कई अहम लोगों की जासूसी किए जाने का जो आरोप था वो अब आरोप नहीं बल्कि सच साबित हो चुका है। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में ये खुलासा कर दिया है कि भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार ने 2017 में इसराइल के साथ हुई डिफेंस डील के तहत इस जासूसी सॉफ्टवेयर को खरीदा था, जिसका इस्तेमाल मोदी सरकार ने भारत में लोगों के खिलाफ किया, लोगों के खिलाफ जो सरकार के विरोधी हैं उन लोगों के खिलाफ किया गया। या तो सरकार से सवाल पूछने वाले जो पत्रकार हैं, वैसे पत्रकारों के एक समूह पर इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया उनकी जासूसी करने के लिए। उन्हें मोदी सरकार ने अपनी निगरानी में रखा और उनके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ की। एक साल तक चली लंबी पड़ताल करने के बाद इस अखबार ने इस सच को सबूत के साथ दुनिया के सामने आज पेश किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2017 में जब इसराइल पहुंचे थे तब ये डिफेंस डील दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में हुई थी और पेगासस स्पाईवेयर और मिसाइल सिस्टम इसके अहम बिंदु थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है कि भारत सरकार ने साल 2017 में इसराइल से पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा था। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में भारत सरकार ने इसराइल के साथ जो $2 अरब यानी कि 15,000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया था उसमें पेगासस स्पाईवेयर की खरीद भी शामिल थी। इस रक्षा डील में भारत ने कुछ हथियारों के साथ एक मिसाइल सिस्टम भी खरीदा था और ये सब मोदी जी ने बस अपने विरोधियों की जासूसी करने के लिए किया, क्योंकि अपने विरोधियों से ये सरकार कुछ ज्यादा ही डरती है। इस खुलासे के बाद मोदी सरकार की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। इनके पसीने छूट गए हैं क्योंकि बीते साल जब पेगासस स्पाईवेयर के मामले में अच्छा खासा बवाल हुआ था, चारों तरफ मोदी सरकार पे लोग हमलावर हो गए थे, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने, यहाँ तक कि पत्रकारों ने जिनके साथ उनकी प्राइवेसी से छेड़छाड़ किया गया, उन्होंने जब सरकार से सवाल पूछा था कि वो ये बताए कि उसने ये जासूसी का स्पाईवेयर खरीदा है या नहीं, तो हंगामा बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि उसने पेगासस को नहीं खरीदा, लेकिन विश्वविख्यात न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेगासस जासूसी कांड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संलिप्तता का खुलासा कर अब सनसनी मचा दिया है। केंद्र सरकार इस खुलासे के बाद से चौतरफा लोगों के निशाने पर है। रिपोर्ट के बाद भारत सरकार की मुश्किलें अब और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस खुलासे ने देश की सियासत को काफ़ी ज़्यादा गर्म कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं। लोग मोदी से उनके बोले गए झूठ पर अब लगातार सवाल कर रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आज बताए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और फिर झूठ क्यों बोला कि सरकार ने कोई भी जासूसी नहीं करवाई, जबकि सच्चाई आज सबके सामने आ चुकी है। ये साबित हो चुका है कि देश का चौकीदार ही चोर है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।